म्याना में फिर देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा जमुनी तहसील। म्याना पहले से ही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल जिले में पेश करता रहा है, लेकिन इसे और रोचक थाना प्रभारी म्याना DSP सौरभ रत्नाकर ने सभी कस्बेवासियों से कहा कि इस त्यौहार को बड़ा रूप दिया जाए, जिसके चलते म्याना के हिंदू जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़ी संख्या में सदर उप सदर व हाफिज मुस्लिम भाइयों को शॉल श्रीपट व सोफा बांध कर सम्मानित किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम देखकर बड़ी खुशी होती है। इसके बाद मुस्लिम भाइयों के द्वारा भी हिंदू भाइयों का स्वागत किया गया तथा फूलमाला व सोफा बांध कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम भाइयों के अलावा सम्मानित लोग जनप्रतिनिधि व पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। आयोजन करने का सीधा सीधा एक ही फंडा है कि आपका और हमारा जो भाईचारे का रिश्ता है, प्रेम भाव का रिश्ता है, वो यथावत बना रहे। अन्यथा कई लोग, एक अपील आप लोगों से और करूंगा, जो हमारे म्यानावासी अभय जी और तिवारी जी, इन लोगों ने तालाब गहरीकरण का जो कार्य शुरू किया था, उसमें मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग उसमें सम्मिलित हो, उसमें जिस प्रकार से जो सहयोग दे सके, तन मन धन सभी प्रकार से, या श्रम कर सके सभी। म्याना के DSP साहब ने एक नया रीति रिवाज जो चालू किया है वो बहुत सराहनीय है, और हम हिंदू और मुस्लिम सब एकता का प्रतीक पहले से भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमें आपकी एक छोटी मोटी बातों को उलझ कर इस तरह का जो माहौल पैदा देश के अंदर नहीं करता है, जहाँ देश टूटे जो देश के अंदर आंतरिक व्यवस्थाएं खराब हो, ये हमारे आपकी जिम्मेदारी है। एक परिवार के लोग हैं, कोई बड़ी परिवार नहीं है, भारत में सभी देशभक्त है, चाहे वो हिंदू म्याना में, जैसे कि आप पूर्व से जानते हैं म्याना और आज हमारे सिख प्रभारी श्री सौरभ परंपरा इस गांव में आज म्याना की है, और मैं उम्मीद मुस्लिमों का स्वागत रखा गया, मनाया गया, और एक पूरे जो प्रदेश में एक उदाहरण अलग ना होकर एक इकाई है, और इसी तरह ये एक इकाई मिलकर भारत देश को आगे बढ़ाने का कार्य करे। म्याना से ग्राउंड रिपोर्टर सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट।